बच्चों, अक्सर एक सवाल आपके मन में आता है कि हम लोग याद कैसे करें, और बच्चों को एक प्रॉब्लम आती है कि याद करके उसे हमेशा के लिए या कुछ लंबे समय के लिए याद नहीं रख पाते हैं। तो इसके लिए हम लोग को बच्चों को क्या करना चाहिए? तो देखिए, आप लोग को इसका बहुत ही एक सरल उपाय है। आप लोग को जैसे होता क्या है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं और हम लोग रखते भी हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए नेशनल नेशनल फ्रूट्स, तो ये बहुत ही इजी है। आप लोग को लगेगा कि बहुत ही इजी है, आप लोग सीधे आंसर दे देते हैं मैंगो। नेशनल फ्रूट याद रखना इजी है। क्यों इजी है? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि नेशनल फ्रूट जो है मैंगो, मैंगो ऐसे भी आम फलों का राजा है और अधिकतर देखा गया है कि बच्चों को आम बहुत पसंद है। तो अक्सर होता क्या है कि हम लोग इसको आसानी से याद रख लेते हैं। मीन्स कि हम लोग इसको अदर वर्ड में कह सकते हैं कि हम लोग जिस चीज़ों को देखते हैं, जिस चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, जिस चीज़ों का उपयोग में लाते हैं अपने डेली दैनिक लाइफ में, उसको हम लोग याद बहुत ही आसानी से रख लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम लोग की किताब में जिसको हम लोग को याद नहीं रहता है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हम लोग इसको अपने डेली लाइफ में नहीं उतारते हैं। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या चाहिए? कुछ नहीं करना है बच्चों। जो भी चीज़ आप लोग को याद नहीं होती है उसको याद रखने का सबसे सरल उपाय है। सरल उपाय क्या है कि उस पर आप प्रेशर नहीं बनाना है कि आप इसको बार बार पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। नहीं होगा, और होगा भी तो कुछ समय के लिए होगा, फिर आप लोग उसको भूल जाएंगे। तो हम लोग को सबसे पहली बात है करना क्या चाहिए। तो आइए आप लोग को हम एक उपाय बताते हैं जो आप लोग करेंगे तो जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है और कोई भी चीज़ को आप लोग बहुत लंबे समय तक के लिए याद रख सकते हैं। जैसे उसको करना क्या है कि आज आपके क्लास में कोई भी एक टॉपिक पढ़ाई हुई साइंस की, आज आपके क्लास में कोई भी एक टॉपिक पढ़ाई हुई साइंस की, जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं एलिमेंट्स नेम, एलिमेंट्स नेम आपके क्लास में पढ़ाई हुई और टीचर ने आपको कहा कि इस एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक सिंबल, सॉरी सिंबल्स और एटॉमिक मास ये लर्न करके आना है। एटॉमिक नंबर, सिंबल्स, नेम, एलिमेंट्स के नेम आपको याद करके आना है, और आप उसको याद किए जा रहे हैं, आपको याद नहीं हो रहा है। तो हम लोग को करना क्या है? कुछ नहीं करना है आपको। उसको करना क्या है कि उसको डेली अपने रूटीन में क्या करना है, कुछ दिनों के लिए, मीन्स कि 1 वीक 15 डेज या 1 मंथ्स के लिए आपको उसको डेली एक बार लिखना है और एक बार पढ़ना है। डेली डेली ये कंटिन्यू, आपको उस पर प्रेशर नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा टाइम उस पर नहीं देना है। आपको सिंपल क्या करना है, एक बार उसको पढ़ के उतारना है दूसरे कॉपी में, दूसरे पेज में या दूसरे कॉपी में, या और एक बार उसको पढ़ना है। ये दो चीज़ काम करना है, पढ़ना भी है और लिखना भी है। ऐसा अगर आप लोग कंटिन्यू 1 मंथ तक करते हैं तो आई होप कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और ऐसा याद होगा कि आप इसको एक लंबे समय तक के लिए नहीं भूल पाएंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप हमारी ये बात को मान करके किसी भी एक टॉपिक पर इसको अप्लाई कीजिए, मीन्स अमल कीजिए, और हमें आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।